बढ़ते खबरों में आगे रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां धूमधाम से बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं। भक्तों की भीड़ भी उस वक्त वहां पर काफी ज्यादा मौजूद थी, हजारों की संख्या में भक्त वहां पर मौजूद थे। ग्रेनेडियर्स के बैंड ने किया भोलेनाथ का स्वागत। आपको बता दें 35 क्विंटल फूलों से केदारनाथ का श्रृंगार किया गया है, और जिस वक्त कपाट खुले उस वक्त वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जो इस पावन पर्व के साक्षी बने। बेहद ही धूमधाम तरीके से बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं, और हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, और आज बाबा केदारनाथ के जो कपाट है वो सुबह 6:20 पर शुभ मुहूर्त के अनुसार वो कपाट खुले हैं। 35 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है, और धूमधाम से बाबा केदार के कपाट खुले हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं, और ग्रेनेडियर्स के बैंड की धुनों पर भोलेनाथ का स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6:20 पर शुभ मुहूर्त के अनुसार और मंत्रोच्चार के साथ बाबा के कपाट खुले हैं, और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से लेकर कपाट खुलने तक की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ग्रेनेडियर्स के धुन पर बाबा भोलेनाथ का स्वागत किया गया है। ये तमाम परंपरा है जो हर साल बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने पर निभाई जाती है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर एकत्रित हुए हैं, और आपको बता दें कि इस पावन पर्व के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने हैं। वही दूसरी तस्वीर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना की गई और मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए हैं। 35 क्विंटल फूलों से बाबा केदारनाथ को सजाया गया है, और बेहद ही भव्य तरीके से और धूमधाम से आज बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं।